तो आपको ये प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू जेड एक्स. तो ए बी इज इक्वल टू जेड एक्स, ये चीज प्रूव करनी है. तो जरा चलें. तो इन ट्राइंगल जेड वाई एक्स, इसे थीटा ले लो. इन ट्राइंगल गिवन क्या क्या, ये सारी चीजें भी लिखो पहले. गिवन, तो गिवन में जेड वाई किसके इक्वल है, जेड वाई इज इक्वल टू यहां से यहां डबल क्योर से लो, यहां से यहां डबल क्योर ए वाई. और अब यहां से बी वाई किसके इक्वल है, एक्स वाई. बी वाई जेड वाई लिया तो पहले एक्स वाई लिखो. एक्स वाई इज इक्वल टू बी वाई, और साथ ही साथ में जेड वाई ए, एंगल जेड वाई ए इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई बी, एक्स वाई बी ईच 90 डिग्री. टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, दीज थिंग्स हैव बीन गिवन, नाउ वी हैव टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू जेड एक्स. सो प्रूफ देखिए, इस ट्रायंगल में आओ, जेड वाई एक्स, सिंगल से डबल की ओर चल रहा हूं, जेड वाई एक्स इन ट्रायंगल जेड वाई एक्स, एंड इसमें भी चलो ए वाई बी, ट्रायंगल ए वाई बी. अभिषेक आपने वो जमा कर दी पिछली जो आंसर शीट एक थी, हमने मैसेज भेजा था. हां अच्छा, और ये संडे वाली दे देना. फिर अब देखो यहां पर जेड वाई किसके इक्वल है, ए वाई, यहां से देखिए, और एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स वाई इज इक्वल टू बी वाई. दिस इज गिवन, ये भी गिवन है. और देखो जेड वाई ए किसके इक्वल है, जेड वाई ए किसी में भी नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं एंगल जेड वाई ए किसके इक्वल है, बी वाई. इट इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई बी, ये भी गिवन है. लेकिन यदि मैं दोनों में थीटा और जोड़ दूं तो क्या हो, बताओ क्या, थीटा, थीटा इसमें भी थीटा जोड़ दूं, ये थीटा है कि नहीं, एंगल, एंगल थीटा, एंगल एक्स जोड़ दो, थीटा मत बोलो, एक्स तो बोल सकते हो, है ना. हमने इसे लेट कर लिया, लेट ए वाई एक्स कितना है बताओ, लेट एंगल ए वाई एक्स कितना है इस एक्स, तो मैं इन दोनों में एक्स जोड़ दूं, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, और इधर भी जोड़ दूं एक्स वाई बी में. तो अब मुझे बताओ कि जेड वाई ए में यदि एक्स जोड़ा जाए तो क्या बनता है, जेड वाई एक्स, और इसमें जोड़ो, इस वाले में भी एक्स जोड़ दो एक्स वाई बी में, तो क्या बना, ए वाई बी, तो दैट इज इक्वल टू, अब उसी ऑर्डर में ले लेना जो भी यहाँ चीज हो, जैसे जेड वाई एक्स, तो यहाँ क्या लिख दें, ए वाई बी. एकलव्य बोलो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल बन गया है सर, ऐसे क्योंकि साइड और ये पूरा एंगल आ गया जेड वाई एक्स, और साइड इसी तरीके से साइड और ये पूरा एंगल आ गया, और साइड, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल, तो भाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, भाई एस एस
ZYX is congruent to triangle AYB. So by CPCT, CPCT से क्या हो गया? That is यहाँ से जो चीज मिल रही वो देखो. अच्छा. तो ZX ZX is equals to AB. Hence proof. Next question देखें. 15. Find five rational numbers between 3/5 and 4/5. So 3/5 and 4/5. Multiply in both by 6, ठीक है ना? Multiply by 6/6 in both. 5 चाहिए तो 6 से करो. So 3/5 into 6/6 and 4/5 into 6/6. So 18/30 and 24/30. So 5 rational number between 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30. और जब सिंपली सिंपल भी करना होता है, ऐसे नहीं है, सिंपलीफाई करना पड़ेगा आपको. तो 2/3 यहां करो, 7/10, 3 से कट करो 3 से, और यहां करिए तो 11/15 एंड 23/30. ठीक है, जो सिंपलीफाई होता है उसे सिंपलीफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस ऑफ ए फैमिली ऑफ मिल्क इज फिक्स्ड विद ₹500 एंड रिमेनिंग वेरीज विद क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन एक्स्ट्रा एट ए रेट ऑफ ₹20 पर लीटर. ₹500 तो वो परिवार दूध में खर्च करता ही करता है, लेकिन जितने लीटर एक्स्ट्रा लेता है, या कभी मेहमान आ गए या कभी खीर बन गई, तो फिर उसके लिए उसको ₹20 पर लीटर के रेट पे एक्स्ट्रा भी लेना पड़ता है. लेट एक्स्ट्रा मिल्क रिक्वायर्ड इज एक्स लीटर और टोटल एक्सपेंडिचर इज वाई. सो एक्स्ट्रा मिल्क रिक्वायर्ड कितना है? इज इक्वल्स टू एक्स लीटर और टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज इक्वल्स टू. सो टोटल एक्सपेंडिचर है रुपीज वाई. तो कितना पैसा लगेगा अभिषेक, बताओ उसको. 500 तो सीधा सीधा खर्च है, और मान लो उसने एक्स लीटर एक्स्ट्रा दूध ले लिया, तो कितना रुपया उसे महीने का देना पड़ेगा? 500 एक्स नहीं देना पड़ेगा, 500 तो रुपए है ना, तो एक्स में 20 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे. मान लो 5 लीटर दूध लिया तो 5 × 20 नहीं करोगे, 20x. क्यों? देख लो, अगर उसने 2 लीटर दूध एक्स्ट्रा लिया तब उसे कितना देना पड़ेगा? बोलो बोलो. 540 रुपए, क्योंकि 500 रुपए का जो दूध वो रोज ले ही रहा है, 1 लीटर 1.5 लीटर जो ले रहा है ले रहा है, लेकिन अगर उसने पूरे महीने में 2 लीटर एक्स्ट्रा दूध ले लिया तो उसे 2 लीटर का एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा. 1 लीटर का कितनी वैल्यू दिए पढ़ो, 20 रुपए लीटर. बहुत पुराना है, अभी तो 40 रुपए से कम नहीं कहेंगे, 40-48 तक है. लेकिन मान लो जितने भी लीटर लेगा तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? बोलो ना यार, समझ में आई बात कि नहीं? कि 500 रुपए का तुमने दूध लिया और उस महीने 2 लीटर और दूध ले लिया एक्स्ट्रा, तो तुम कितना पैसा पे करोगे? तो जितने एक्स्ट्रा दूध लिया उसमें 20 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वो तो रेट है ना. तो 20 × 240 नहीं पे करोगे, 540. 10 लीटर एक्स्ट्रा ले लिया तो 10 × 20 नहीं करोगे? अगर x लीटर एक्स्ट्रा ले लिया तो क्या करोगे? 20 × x. सही है, इतना है. अब इसका ग्राफ बनाना है. तो क्या कह रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर लीनियर ग्राफ बनाना है. ये हमारा हो गया इज द डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन. ये क्या है? इज डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन, लीनियर
अगर ये डिजायर लीनियर इक्वेशन है तो पहले मैं इसके लिए दो पॉइंट निकालूं फिर इसका ग्राफ बनाऊं। So, हमारे पास है y is equals to 20x plus 500, x पहले लिख लेना। अब x की अलग अलग वैल्यू लेते जाओ और y निकालो। यदि x जीरो लिया जाए तो मान लो वो कोई भी एक्स्ट्रा दूध ना ले तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, और अगर x 10 ले लिया जाए तो क्या होगा बताओ। 10 लो 20 इंटू 10 और प्लस 500 तो 200 प्लस 500 700 हुआ। जीरो में तो क्लियरली समझ में आ ही रहा होगा कि 500 है। अब 10 लीटर और दूध ले लिया तो 200 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लग गए। अब इस चीज के लिए आप ग्राफ बनाओ। सो ग्राफ बनाएंगे तो किस तरीके से होगा ना हो? देखो छोटा ग्राफ बने का मैं बता रहा हूं कैसे है। 500 700 है तो यहां पर आपको एक्सपेंडिचर एक तरफ बनाओ और एक्सपेंडिचर में इधर किंक ले लो क्योंकि मुझे यहाँ 1 पे 500 लेना है। 500 से कम तो नहीं ले रहा है और 500 के बाद 700 तक आपको लेना है तो 500 600 और यहाँ 700। यहाँ देखो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में रुपीज डालिए और यहाँ पर क्या है एक्स्ट्रा मिल्क इन लीटर्स। एक्स्ट्रा मिल्क इन लीटर्स है और एक्सपेंडिचर ये टोटल एक्सपेंडिचर है। ये कैसा है टोटल एक्सपेंडिचर? अब देखो तुमको जीरो दिखाना है तो 2 4 6 8 10 ले लो। बोलो जीरो अगर उसने एक्स्ट्रा मिल्क लिया 0 लीटर तब उसका कितना खर्चा आया 500 और जब उसने 10 लिया 700 तो 700 पे आइए आप 10 पर ये कितने हैं दैट इज 10 लीटर एक्स्ट्रा मिल्क पहले एक्स लिखा जाएगा और 700 इधर एक्स एक्सिस है तो इधर एक्स डालिए। दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश, दिस इज एक्स डैश और फिर इन तीनों को मिला दीजिए। एक एक समझ में आ गया भाई? जीरो है तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ? जीरो 500 और ये हो गया। और इस पर आपको क्या लाइन की इक्वेशन लिखनी है? एक्स वाई इक्वल टू 20x प्लस 500 है ये लिख लो और बाकी ये लीनियर इक्वेशन आगे भी जाएगी तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इस पे एरो लगा देना। रूलर का इस्तेमाल वो एक्स उधर भी जाएगी ना।
कहाँ? नीचे। हाँ नीचे जाए, इसको बढ़ा लो, बढ़ा लो। चलो सो नेक्स्ट इज एक्स एक्सिस, यानी को स्केल। एक्स एक्सिस पर क्या है यशिका? एक्स एक्सिस का स्केल बताओ, 1 सेंटीमीटर कितना है? 100। करेक्ट, मतलब तुरंत ये हर चीज इन्हें मालूम है। 2 लीटर कैसे ये जान जाते हैं? और कोई होता तो कहता 1000 लीटर, मेरे घर में तो कढ़ाई लगी हुई है, मोहल्ले को गाजर का हलवा बांटा। वाई एक्सिस का बताया, अब वाई एक्सिस का 100 रुपीस। रुपीस, हां मैं पहले वाई एक्सिस का बताऊं। ठीक, अब देखिए नाउ पॉइंट्स आर 3 वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, प्लॉट दिस पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर। बाकी लोग उसी पर करें, बाकी और जो दूसरे हैं उन लोग ये ले लें। 3 लोग इनका ग्राफ पेपर बड़ा है। आप लोग तो देख लो, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। 5, 3 है तो आपको 5, 3 पे भी जाना है और 5, -4 पे भी जाना है। तो इसका मतलब है वाई एक्सिस में आपको ऊपर 3 तक जाना है और नीचे -4 तक जाना है। ये ठीक है, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर 3 तक जाना और नीचे 1, 2, 3, 4 -4 तक जाना। हेलो, हाँ जी, अभी मॉर्निंग में ही है सर, 11:15 बजे। तो टाइमिंग नहीं पता था ना, किसी ने बताया? अच्छा, टाइमिंग तो हमने भेज दी थी, कल ग्रुप कॉल भी किया था। इससे बोल दो ये ज्वाइन कर ले, अगर आ सकता है तो आ जाए, नहीं तो ऑनलाइन ज्वाइन कर ले। 2 क्वेश्चन हुए, वो वीडियो में देख लेगा। ये वो मैसेज तो एटलीस्ट टाइमिंग का तो भेज देते हैं सर। हाँ मैसेज हमने कर दिया है टाइमिंग का, और कल ग्रुप कॉल भी किया था, मैसेज भेजा हुआ है। अच्छा मैसेज सर देख लीजिए एक बार, और फिर हम उससे नंबर ले लेंगे, हो सकता है उसने ठीक नंबर नहीं दिया होगा। मैं एक बार उससे और ले लूंगा कंफर्म करके, और अभी उससे बोल दीजिए आ सकता है तो आ जाए, अभी तो क्लास चलेगी 1 बजे तक, और नहीं तो ऐसे कर ले। कितनी देर लगती है आने में? मैंने सर जी कंफर्म कर दिया था, हो सकता है ना पहुंचा हो आपके पास। मैसेज तो हमने अलग से ग्रुप कॉल भी कर दिया था कि किसी ग्रुप कॉल से किया, मैंने अपने परसों भी बता दिया था कि मॉर्निंग में क्लास होगी। पूरा ध्यान रखना चाहिए बच्चों को, वो अभिषेक के चक्कर में लगा रहता है पीछे से, ध्यान नहीं देता। वो -5, -3 1, 2, 3 5 और 3 यहाँ पे, और एक है 5, 3 हो गया 5, 3 और 5, -4 भी करो -1, -2, -3, -4 तो यहाँ पर 5, -4 और -2, 3 देखो ये हुआ, देख लो -2, 3 इन तीनों पॉइंट्स को मिलाइए तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ये 5 पर है सारे पॉइंट्स।
5 यहाँ पर और बाकी यहाँ से भी कर चार पॉइंट है क्या सर? एक हमें बताना है, एक बताना क्वेश्चन। अच्छा माइनस टू माइनस ए ये भी करना है ये क्या? हाँ ना हाँ भाई हाँ। नाउ हमने भी किया है अगर स्क्वायर बनेगा और प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर हैज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी तो पहले ए बी सी कहीं यहाँ आएगा। अगर ये माइनस टू थ्री है तो इधर क्या आएगा? माइनस टू थ्री तो इधर आएगा तो माइनस टू माइनस फोर आएगा क्योंकि जो यहाँ तक है वही तो इधर आएगा, नहीं तो स्क्वायर थोड़ी ना बन पाएगा अगर टेढ़ा मिला तो। अब यहाँ पर इससे मिला दीजिए ये हुआ तो ये माइनस फोर पे जा रहा है कि नहीं? यही सी है, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो तो ये थ्री पे हो गया, ये माइनस फोर पे हो गया, ये फाइव पे हो गया, सही है। तो इसके क्या कोऑर्डिनेट हुए? कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज माइनस टू, कोऑर्डिनेट ऑफ सी माइनस टू। चल 18 क्वेश्चन लेके 14 पे हो हाँ 14 तो है नहीं कौन सा एक क्वेश्चन 2x square 16 2x square minus 5 by 6x or minus 1 by 12 now we have to factorize it sir plus 1 by 12 plus 1 by 12 plus है तो अब हम इसमें LCM लेंगे देखो 12 भी है ये बताओ 1 से divide करो 12 में 6 और 12 पर 12 आता है एलसीएम 1 से 12 में डिवाइड पर 12 बाय 12 पर 2 में मल्टीप्लाई 24x स्क्वायर 6 2 जा और 2 से ऊपर करो तो 10x और 12 से करोगे तो 1 आएगा तो इसको 1 बाय 12 बाहर ले लो और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे लो कितना आएगा 24 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो कि माइनस 10 आ जाए 24 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़े तो क्या माइनस 12 निकले 12 और 2 तो नहीं कर सकते अगर माइनस 12 और 2 करेंगे तो माइनस 24 आ जाएगा और कुछ बोलो कुछ और आपके माइंड में आ रहा है यही है माइनस 12 और 2 कर देंगे तो माइनस 24 नहीं है ना यहाँ पे उनका प्रोडक्ट यानी उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है ठीक ठीक 24 क्योंकि प्लस में ना 24 माइनस माइनस बोलो नहीं कुछ नहीं यस और इन दोनों का सम कितना है माइनस 10 ये चीज आनी चाहिए तो मैं 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं सो 12 तो ये कितना हुआ 3 अब सोचो इनसे हमें बनाना है अगर मैं 6 और 4 ले लूं तो क्या बात बन जाए माइनस 6 लो और माइनस 4 क्या इनके प्रोडक्ट से प्लस आ जाए और क्या इनके सम से माइनस 10 आ जाएगा तो ये चीज ठीक रहेगी तो मुझे क्या ले लेना चाहिए 24x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 1 1 बाई 12 24x स्क्वायर नहीं समझ आई बात नहीं यानी इसका इसका मल्टीप्लाई होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्टार्टिंग से हमने इन तीनों का एलसीएम लिया 1 से डिवाइड किया तो 12 आया 12 का 2 में मल्टीप्लाई इससे इसमें डिवाइड किया 2 आया 2 का 5 में मल्टीप्लाई ये तो
अच्छा तो इसको एक बार समझ लो, न समझ में आएगा तो मेरे पास आसान मेथड है पहले से समझ। 24 से मल्टीप्लाई किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही तो फैक्टराइज होता है। अब देखो जरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो ये क्या किया बात ना करें, और माइनस 4x और प्लस 1 ये चीज हो गई। अब देखिए अब इसमें जो भी आ रहा है ले लो कॉमन, कितना कॉमन आ रहा है 6x हुआ, जो भी कॉमन आता ले लिया जाता है मैक्सिमम, तो 4x और माइनस 1 उन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, लेकिन माइनस कॉमन आएगा तो ये चांस बदल जाएगा ना। इसे क्या लिख सकते हैं, क्या 6x माइनस 1, और इसे क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 1। तो आपका आंसर क्या आ गया 6x माइनस 1 4x माइनस 1 बाई 4। वो हम बता देते हैं, ये इसलिए आया क्योंकि जो ये साइन है वही कॉमन आएगा, तो माइनस 1 कॉमन लोगे और इसे माइनस लिखोगे तभी तो जब वापस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। अच्छा आप देखो दूसरा मेथड सौम्या के लिए, नहीं आया तो अब सौम्या का मत देखो। सो 24 तो 2x स्क्वायर माइनस 5 बाई 6 और प्लस 1 बाई 12 है, नीचे मैक्सिमम कितना है 12 है, जल्द से पूरे में मल्टीप्लाई करो, नीचे मैक्सिमम कितना है 12 है, यानी इन दोनों का एलसीएम 12 है, 12 से मल्टीप्लाई करो जरा, 2x स्क्वायर में भी 12 से मल्टीप्लाई करो, 5 बाई 6x में भी 12 से मल्टीप्लाई करो, 1 बाई 12 में भी 12 से मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा 24x2 10x और 1। लेकिन यदि तुमने 12 से मल्टीप्लाई किया है तो 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो अब वो जो मल्टीप्लाई है वो तो अंदर ले जाओ लेकिन डिवाइड को बाहर बचा लो। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बाकी तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अलावा मिडिल टर्म नहीं करना चाहते। अच्छा मुझे लगा करना चाहिए। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, देखो तो अभिषेक ने ये बताया कि सर ये माइनस 6x ले लो और प्लस x ले लो प्लस 6, तो यानी आप बताएं क्या अभिषेक इस मामले में ठीक है, क्योंकि इन दोनों के सम से यही आ रहा है। बोलो सौम्या भाई इन दोनों को जोड़ो यही आ रहा है, बताइए। अभिषेक खुद कह रहे हैं कि हम गलत हैं, तो अभिषेक समझाया, अभिषेक कह रहे हैं मैं तो सहमत नहीं हूँ, आप लोग हो तो हो, वो ना मेरा ही मेरा नाम क्यों खराब कर रहे हो, इसका इसे मल्टीप्लाई किया तो 1 और 6 आया, 1 का करो तो हाँ बोलो। अब क्या हाँ ये देखो पियानी ने भी अब कह रही हम भी नहीं सहमत, दो लोग अब हो गए नहीं मतलब मेरा साइड अब ज्यादा मजबूत हो गया। ये देखो नहीं वाला नहीं, अच्छा पक्का तो हटा दिया नहीं मैं हाँ। ये देखो सिक्स है ऐसे तो फैक्ट, हाँ ये ज्यादा अच्छा माइनस सिक्स है, अगर ये इनकी बात कर दे तो प्लस से माइनस 5 आना चाहिए और इनटू से क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो क्या यहाँ इन दोनों को मैं करूँ तो 6 आएगा, माइनस 6 और 1 से क्या 6 आ जाएगा, नहीं आएगा ना, ये गलती हुई। अगर मैं माइनस 6 और 1 करूँ तो ये तो सही है, ये तो गलत हुआ कि नहीं, और फिर से समझो कि ऐसी स्प्लिट करो
ऐसा स्प्लिट करो कि उनका प्रोडक्ट 6 आए, तो आ रहा है नहीं आ रहा। ऐसे यहां गलती हुई थी, इन लोगों ने कहा सर ये 10 है तो 12 और 2 ले लो 24 आ जाएगा। अब जरा 24x² है और माइनस ये कितना है बोलो, तो 24 के दो टुकड़े किए, बोले माइनस 12 और 2 ले लीजिए सर, ज्यादा चक्कर मत पड़िए माइनस 10 आ जाएगा, और माइनस 12 इंटू 2 करोगे तो आपका 24 भी आ जाएगा। अभिषेक बोले नहीं आया ना, ऐसे यहाँ पे ये बोले सर इन दोनों को ले लो माइनस 5 आ जाएगा, प्रोडक्ट अच्छा तो आ ही रहा है तो हम अच्छा खा रहे, प्रोडक्ट से कहाँ छह आ रहा है, ये लोग बोले छह रहा है। ऐसे यहाँ बोले सर प्रोडक्ट से 24 आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो इसीलिए फिर ये लेना पड़ा ना, अलग चीज नहीं लेनी पड़ी, इसलिए ये गलत है। फिर हमने कहा ये तो तुम गलत बोल रहे हो अभिषेक, नहीं आ रहा है, तो बोले कोई बात नहीं सर, ऐसी स्थिति में आप -2 -3 ले लो, तो आपकी भी बात रह जाए मेरी भी बात रह जाए, तो बोलो अब ये सही पाए गए कि गलत। सही पाए गए तो ये ना लिखा जाए क्योंकि गलत हो गई ना बात। हम क्या लिखें, x² -2x- हमें हमेशा ये देख लेना चाहिए इसका प्रोडक्ट ये है या नहीं, नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो और -3x - 2 और ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। बोलो बात समझ में थोड़ी थोड़ी आई, नहीं सर आ गई। तो हम लोग दूसरी तरीके से करते हैं जिससे कि सौम्या के माइंड में चारों हाइलाइटर एक साथ जम जाए। ये हाइलाइट ही करती जाएगी, दिमाग की लाइट जली नहीं पाती। चलो अगला क्वेश्चन, लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 19। सर करा दो वाला कौन सा, 18 18 तो बता दिया ना, ऐसे कर लिया ये समझ आ रहा है। भारत का एक व्यक्ति अशिक्षित रह जाएगा ना, ऐसा में क्या फर्क पड़ता। अब ये देखो कुछ नहीं करना, मैंने 12x12 किया, हां से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। इसकी स्प्लिटिंग समझ में आई कि नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती मुझे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये देखो ये तुम्हारे पास 18th क्वेश्चन, ax² + bx + c है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो ऐसे आ जाएगा। अब b को ऐसी दो टर्म में तोड़ो कि जिनके प्रोडक्ट से क्या आ जाए बताइए, ac, और जिनके सम से, बात समझ आ गई। तो मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा है कि x² + 7x + 12 है, तो मुझे बताओ यहाँ क्या लिखूं, 12 लिख लिया सही है। हाँ। अच्छा, और मैं दो सवाल दे रहा हूं जिससे कि आप एक साथ कंपेयर भी कर सकें, x² - 7x + 12 दोनों दे रहा हूं सवाल। अच्छा इनका प्रोडक्ट करो क्या आ रहा है, 12 12 12। अच्छा बताओ यहां पर 12 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनके प्रोडक्ट से तो 12 आए और जिनके सम से 7 आए, ऐसा आपके ख्याल में है, 3 और 4 और यहाँ भी लिख दो। अगर ऐसी बात है सौम्या कोई बताने दो, ऐसे दो टुकड़े करो जिनके प्रोडक्ट से तो 12 आ जाए और जिनके समेशन से, समेशन योग से, योग योग बोल रहा हूँ, योग से माइनस 7 बोलो, माइनस फोर और माइनस अब ये -4 - 3 बोलो बस समझ गई। तो मैं यहां लिख देता हूं x² + 3x + 12 तो बोलो क्या आ गया,
अब फोर कॉमन ले लिया, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 3। अब बच क्या आ रहा है अंदर अंदर? x प्लस 2। यहाँ तक समझ आई? चल घटा दिया बाकी की मिनट, फिर से बता देंगे। अब देखो ये है तो यहाँ क्या ले लिया, ठीक है। अब देखो सौम्या कितने कंसंट्रेशन से समझ गई, इससे हमें पता चल मैं समझ गई। तो x माइनस 3 और x माइनस पहले कॉमन ले लो, सही है, और फिर कम्यूट कर जाएगा आपस में। अब देखो अब सौम्या ने कहा ना सर पहले वाला ही तरीका अच्छा था, अब हम आगे बढ़े कि बता कुछ लिख लो। ये देखिए 2x² - 5/6x है और प्लस 1/12, बोलो बात सही है। अब देखो यहाँ तक समझ आ गई, इनको मल्टीप्लाई करो, फिर से देखो नया मेथड, इनको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 × 1/12 से कितना आएगा, 1/6 आएगा। 1/6 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनके मल्टीप्लाई से क्या आ जाए, और जिनके प्लस से 2 × 1/6 दोनों तरीके बता दे रहे हैं, जैसे कुछ अच्छे बच्चे भी हैं विषय ये कहते हैं सर सरल सरल बताते हो, तो अब ये बात समझा गई। तो इन्होंने कहा सर अगर इसे मैं -1 लिख दूं और इसे क्या लिख दूं 1/6 तो मेरा काम बन जाए, बात समझ आई कि नहीं, और इन दोनों का प्रोडक्ट से क्या आया -5/6 है ना, -5/6। और दूसरा क्या था, इन दोनों से 6 आया, बात नहीं समझ पाओ भाई, तो पहले वाला मेथड बता दे आपको करा तो देंगे। ये देखो वन से डिवाइड किया तो कितना लिखो, 24x² यहाँ 10x - 10x और यहाँ 1। अब ऊपर वाले का करो 24 के टुकड़े करो, सही है क्या, इन दोनों के सम से माइनस 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई से 24 आ रहा है, तो वो लोग क्या लिखते हैं, 24x² - 6x - 4x और बोलिए 6x कॉमन ले लो, 4x - 1 - 1 और डिवाइडेड बाय तो कितना आया, 4x - 1 - 1 सही है, सही है, ठीक कई तरीके से कई एंगल से देखने की कोई चीज देखती, हाँ ये गाय ही दूध दे रही गाय, बकरी हो सकती है, सब एंगल से हमने दिखा दिए, समझ में आ गया, नहीं सारे एंगल से और अगर उसने आवाज लगा दी हमारे पास दिया है L M N
और गिवन क्या है? के एन इज पैरेलल टू एन और एन इज पैरेलल टू एन। ये बात सही कह रहे हैं। बोलो सृष्टि क्या प्रूफ करना है? करेक्ट। देखो इतना मतलब ये सृष्टि की जगह बैठी उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने बता दिया। बोले टू चीज प्रूफ करनी है। जैसा कि सृष्टि ने बताया कि एन इज पैरेलल टू एन, बहुत बड़ी बात है। जगह का प्रभाव होता है। वो आदमी वो गरेड़िया बैठता था शपड़, वो विक्रमादित्य बन जाता था वहां पर, जहां विक्रमादित्य का सिंहासन नहीं था, सिंहासन बत्ती सी। ऐसे देखो ये सृष्टि की जगह बैठी वही ज्ञान। एल इज पैरेलल टू एन और एम इज पैरेलल टू एन, ये भी इसके पैरेलल और ये भी इसके पैरेलल प्रूफ करो। ये आपस में ये लाइन ड्रॉ कर ली, समझ में आई बात? अगर ये x है, ये y है और ये क्या है? z। z तो ये अगर l m के पैरेलल है तो क्या होगा? प्रूफ देखो, x इक्वल्स टू 1, ड्रॉट l m n और एक ड्रॉ ट्रांसवर्सल m l m n, अभी लिखो o, ड्रॉ ट्रांसवर्सल लाइन ओ, ठीक है, पासिंग थ्रू लाइंस एल एम एन। अब जरा देखो, ये मुझे बताइए कि यदि एल इज पैरेलल टू एम तो सृष्टि आगे क्या लिखो? यदि एल एन के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। जैसा इन्होंने कहा कि एल एन के पैरेलल है तो साक्षी क्या होगा? वही उन्होंने बोला। तो दिस इंप्लाइज एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड। बिल्कुल सृष्टि वाला corresponding angles। अब ग्रुप लीडर है, कंजीनर अपनी लाइन की ग्रुप लीडर होंगे। अब देखो m is parallel to n, हाँ चल बोलो क्या m भी parallel है n के? एंगल y को बोलो बोलो y is equal to angle x। M is parallel to Y, Z के इक्वल नहीं? Y Z के इक्वल है। M equal जब M N के पैरेलल है। M N के पैरेलल है। M का है, N का है, Y equal to Z। बोलो। Sir। हाँ बोलो। पहले हमें हमें ये दिया गया जब दो लाइनें एक ही लाइन के पैरेलल हों। यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समानांतर हों तो वे आपस में भी समानांतर होती हैं। तो पहले हमने कहा ये इसके समानांतर पैरेलल, तो इसलिए ये दोनों कोण सम्मुख कोण हुए और ये आपस में समान हुए। ये रेखा इसके समानांतर तो ये दोनों सम्मुख कोण हुए और आपस में समान हुए। बोलो बात सही है? तो क्या हुआ? सुनो, ये लाइन इसके पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल होती है, करेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके इक्वल है। ये दोनों लाइन एक तो पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो। तुम्हारी कॉपी में इतनी सारी लाइनें, एक तिरछी लाइन खींच लो, सब एंगल इक्वल ही इक्वल है। तो ये लाइन ये एंगल इसके इक्वल हुआ कि नहीं? पैरेलल है सर। आंचल के पास एक और अच्छा आइडिया, बोल। तो ये इसके इक्वल हो, हम फिर से दूसरा मेथड देखेंगे। नहीं, उसके पास एक अच्छा आइडिया है, वो बोल। देखो अभी हम देख रहे हैं, सर वो बोल रहे हैं इफ टू लाइंस आर इक्वेटिंग वन एंड टू,
ठीक है, वैसा नहीं होता, वो यूक्लिड नहीं है, यूक्लिड ये भी जेड को इक्वल, ये भी जेड के इक्वल, तो क्या एक्स वाई के इक्वल हुआ? हाँ, ये एक्स इज इक्वल टू वाई। आना इसके आगे बताओ, अभी लाइन क्या लिखे भाई? दो चीजें जेड के इक्वल है तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। अगली लाइन बताओ, एक लोग बताओ, आप बताओ। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सम्मुख कोण हैं, इसलिए ये दोनों रेखाएं समानांतर हुई। बट दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इक्वल तो हैं, ये इक्वल तो हैं, लेकिन ये क्या है, साथ ही साथ क्या है? बट दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एल इज पैरेलल टू आपने बिल्कुल करेक्ट बोला। अब आप लोग 18 और 19 था आपके लिए, 19 मेरे लिए, 18 नहीं मिलेगा कुछ, फुल लाइन नंबर। थोड़ी कराएंगे, कितनी बार कराओगे? 18-19 दोनों सोनिया के लिए छूट है। डोंट लिमिट द क्रॉस। सॉरी सर, ओके बात नहीं करो, शुरू करो। लाइन अगर पैरेलल है तो पैरेलल दिखनी चाहिए, ज्यादा डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, समझ में आएगा? सुन लो, जैसे ये नहीं होना चाहिए, अभिषेक ने किया, लाइन पैरेलल है तो पैरेलल दिखनी चाहिए, ऐसे मत बनाओ। इनमें डिजाइनर बनाने के सर दिखाओ, रे इधर दिखता नहीं मेरे, सर दिखाओ, सर से पास आ मैंने ये डिजाइनर लाइन में। तब भी सर वो भी लाइन पहले नहीं दिखती, हां तो पैदल आई है। देखो हाँ, मैंने Now, A, B, C, D. करें
A B C D E F G अब देखिए इसमें गिवन क्या है ये क्वेश्चन याद है ये बी सी डी बी सी एफ ई एंड ए बी एफ ई आर पैरेललोग्राम तो आपको क्या प्रूफ करना है तो एरिया ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल बी सी एफ वाई सो मच मर्मरिंग इज गोइंग ऑन कोई मर्मरा जाएगा अब ये देखो शाम को क्लास भी है ना नहीं शाम को अब ये देखो ए डी ई है अगर पैरेललोग्राम है चैप्टर है ही नहीं सुन लो ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम है सो प्रूफ देखिए ये करवाया गया तो पहले लेट अस स्टार्ट क्योंकि लेट करोगे तो परसों इसका टेस्ट है नहीं तो फिर मुझे कल क्लास लेनी पड़ेगी मुझे 30 क्वेश्चन कराने हैं आज हाँ तो शाम को लेने अगर तो भी मैं कराऊंगा फिर कर लूंगा क्लास मैं तो परसों टेस्ट करना ना सर तो ज्यादा शोर करने से डिले होगा हमारे यहाँ तो 2:30 बजे खाना मिलता अब देखो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो क्या ये अपोजिट साइड इक्वल होंगी पैरेललोग्राम की तो बताओ क्या ए डी किसके इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी अभी वो लिख दे रहा हूं जैसा आप कह रहे हैं इन ट्रायंगल ए डी और बी सी एफ इन ट्रायंगल ए डी एंड ट्रायंगल बी सी एफ ये लिखा अच्छा ये बताओ डीसी डीईसीएफ के क्या इक्वल है डीईसीएफ को जो है वो पैरेललोग्राम डीसी कौन सा डीसीए वो कौन सा है डीसी एफ ई अब ये मुझे बताइए कि एईबीएफ के क्या इक्वल है क्योंकि वो एईबीसी पैरेललोग्राम अपोजिट साइड से एईबीएफ ई ए बी एफ ई इस पैरेललोग्राम सो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ये तो छोड़ दे ट्रायंगल ए डी ई किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ बी सी एफ एंड टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया तो क्या इनके एरिया भी इक्वल हो जाएंगे ये लिखना जरूरी है हाँ तभी तो एरिया कर पाओगे जब चीजें टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया उनके एरिया इक्वल एरिया ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल बी सी एफ अगला देखो नाउ 21st में आपको दिया गया है ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन है ए बी सी डी इस पैरेललोग्राम बाईसेक्ट ट्रायंगल तो ए बी सी डी इस पैरेललोग्राम और यहां से ए सी ले लिया तो और ए सी बाईसेक्ट ट्रायंगल एसी बाइसेक्स एंगल तो आपको प्रूव करना है कि ये सी को भी करेगा टू प्रूव पार्ट वन इट ऑल्सो बाइसेक्स एंगल सी और सेकंड क्या प्रूव करना है ए बी सी डी इज
रॉम्बस अब प्रूफ देखिए, ये वन और टू है, ये क्या है थ्री और फोर, एंगल वन क्यों एंगल टू के इक्वल है ध्रुव? ये सही बता रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि हम अल्टरनेट आते हैं तो हम अल्टरनेट बताएंगे, तो एसी बाइसेक्स एंगल, सही बताया कि नहीं, क्योंकि एसी एक बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए वन टू के इक्वल है, ठीक है। अब ये मुझे बताओ कि वन किसके इक्वल है सृष्टि? वन इज इक्वल टू एंगल फोर, वाई इट इज सो? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये मुझे बताओ फिर टू किसके इक्वल हो गया? टू सर वो थ्री के, क्योंकि यहाँ भी आप एक ऐसे देख सकते हैं थ्री और टू, ये वन और फोर, सो टू इज इक्वल टू थ्री, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड है, सेकंड थर्ड की वैल्यू वन में डालो, सेकंड थर्ड की वैल्यू, वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन वन, वन में डाल दो, बताओ मैं वन की जगह क्या लिख दूं? वन की जगह फोर और टू की जगह थ्री, फोर इज इक्वल टू थ्री, तो अगर फोर थ्री का इक्वल हो गया तो क्या एसी बाइसेक्ट सी आल्सो? सो एसी बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो, सही है। अब मुझे बता दो क्या टू यहाँ पर एसी इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या टू फोर के इक्वल हो सकता है इन दोनों से, वन और टू से? फोर क्या, फोर किसके इक्वल, मतलब वन भी टू के इक्वल है, वन फोर के भी इक्वल है, अगर दो चीजें एक चीज के इक्वल हो तो क्या वे आपस में, तो सेकंड पार्ट फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन एन ऊपर लिखना, वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन, दो चीजें अगर एक चीज के समान हो तो वे आपस में भी समान होती है, तो टू किसके इक्वल हो गया? यदि टू फोर के इक्वल हो गया तो टू के सामने की साइड क्या है? बी सी, और फोर के सामने की एबी, तो टू के सामने की साइड लिखो बी सी, और फोर के सामने की एबी, ऐसा क्यों लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स। और अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बराबर पाई जाए तो क्या वो रॉम्बस होता है? क्योंकि आमने सामने की तो इक्वल है ही है, अगल बगल के भी इक्वल हो जाए तो रॉम्बस हो जाएगा, आमने सामने की इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगी तो ये तो अपने आप इसके इक्वल हो जाएगी और ये इसके इक्वल है। सो अ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज ए रॉम्बस, या फिर वो 1 और 3 से भी कर सकते हैं। बाकी तो आप कर ही सकते हो कि BC AD के इक्वल है ही है, लेकिन BC फर्दर किसके इक्वल है? BA के इक्वल है, क्यों? सर बस वही। अब देखो, सो ABCD इज पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स, जो ये लिखेगा उसका भी सही है, इक्वल, सो इट इज, तो इसलिए ये क्या हुआ? रॉम्बस हुआ। और जो ये ना लिखना चाहे वहां तक पहुंच गए हो, तो BC हाँ। किसके इक्वल है? फर्दर BC AB के इक्वल है। अब बोलो AB किसके इक्वल है? AB DC के इक्वल है। ऐसा क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी लिखो। अच्छा आप मुझे बताओ यहां से देखते हुए कि क्या अदर बगल वाली इक्वल है? ये देखो बीसी एबी के इक्वल है, बोलो, और ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, सब हो गए, देख सकते हैं, फिर बताएंगे।
अगल बगल वाली इक्वल है कि नहीं ये बताओ, बोलो क्या है ना बी सी एबी के इक्वल, ये तो देखो नहीं समझा, बी सी एबी के इक्वल नहीं दिख रहे, और ये इसके इक्वल है तो इसके भी बिंदी लगाओ लाल इसके माथे पे और इसके भी माथे पे उसके ऊपर वाले की है ना, क्योंकि हो माथे पे बिंदिया आलम देखो, so A B C D is rhombus. So अब जब सब कुछ लिख लिया, तो A B is equals to B C is equals to C D is equals to ये इन तीनों को मिला के, इसको, इसको, इसको. So A B C D एक सम चतुर्भुज हुआ. चतुर्भुज. देखें. 22nd. ABCD is a parallelogram. The circle through ABC intersects CD at E. तो ABCD एक parallelogram है, सर्कल तीन बिंदुओं से जा रहा है, ठीक है? अब देखें. अब देखो ऐसा दिया गया है, यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि ये एक पैरेललोग्राम है, बच्चा है भाई कर लेना उसको, तो ए बी सी देख लो, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, लग नहीं रहा लेकिन है मतलब थोड़ा थोड़ा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जो प्रूव कर रहे हैं अपने आप इससे कोइंसाइड कर जाएगा. सुनो, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, गिवन ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम. अच्छा, सर्कल पासेस थ्रू, सर्कल पासेस थ्रू ए बी, और सी से तो पास कर ही रहा है, एंड ऑल्सो ई वेन सी डी इज प्रोड्यूस्ड, सी डी को बढ़ा दो तो फिर किससे पास कर रहा है, लिखा उसमें, एंड ऑल्सो ई वेन सी डी इज प्रोड्यूस्ड, किससे पास कर रहा है, हेलो साल की आपको शुभकामनाएं, क्लासेस तो चल रही है, 12th का मॉर्निंग में चलता है 9 से 11 प्रैक्टिकल ऐसे तो नहीं करवा, जब प्रैक्टिकल का आइटम तो है लेकिन जो बच्चे कहेंगे तो करा देंगे, ऐसे करा नहीं देंगे, पढ़ने आते हैं. हाँ, वो सब इसको, हाँ वो तो करा सकते हैं, आ जाएगा तो यहाँ पे जो भी होगा उसको जिस जिस टॉपिक, हाँ हाँ हाँ.
बोर्ड इसे क्योंकि बोर्ड पेपर इनके शुरू हो जाएंगे अपनी बोर्ड जो हमारे बच्चे आते हैं पूरा फिर अच्छे से ही कराएंगे जब कराएंगे मोड़े मोड़े में तो नहीं बात अब देखो फिर से समझो 21st समझिए ये जो 22nd उसमें ये नहीं है इतना ही बताया था क्योंकि वो तो पिछला था ना कॉन्ग्रुएंस इसके नीचे वाला नहीं लिखना वो तो नहीं लिखना नहीं लिखा ना ये बिना पढ़े आठ पंथ के बच्चे आते हैं सुबह ऐसे लिखा है क्योंकि हमारे पास 9th-10th के बाद ही समय नहीं मिल पाता 12th का बच्चा तो एक बच्चा 10,000 फीस देता है महीने का तो वो भी जिस जो भी बात करेंगे ना वो पर डे का 1200 देती है ऐसे ही है सब क्योंकि हम 11th का बैच नहीं लगा मेहनत बहुत लगती है पहले शाम को लगाते थे तो वो 2,000 देते थे फुल बैच हो ये हम हटा दे रहे हैं ये हो गया ना चलिए नाउ वो मतलब ये जानती हो आस्था कॉपियर्स उनका लड़का आधे घंटे पढ़ने आता है घर पर 5,000 देता है महीने सिर्फ आधे घंटे पढ़ने और उसके स्कूल में सब सरप्राइज है वो बॉटम से टॉप पहुंच गया है पिछले 5 महीने इतना चमत्कार हो गया उसके साथ तो अभी उनके पेरेंट्स ने बोला ये इसमें इससे बदलाव कैसे सर हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है होता है हो रहा है हाँ तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा नहीं तो 9th में अगर तुम नहीं होती ना तो ये इतना बढ़ जाते बहुत डॉक्टरों से भी काउंसलिंग की ऐसी एक लड़की क्या करें आप उसे लेके आई हमने कहा लेके तो नहीं आ सकते हमको सलाह दे दो अब आगे देखो हमने कहा उसको दांतों की प्रॉब्लम है कुछ तो उन्होंने कहा उसको डेंटल सेंटर के बहाने मेंटल सेंटर ले आओ ऐसे तो बोलेंगे तो वो समझ जाएगी बहुत मुश्किल काम आप बता रहे हो देखो यहाँ तक बात हुई कि ABCD पैरेललोग्राम है ABC से तो ये पास कर रहा है और अब आपको आगे प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ दैट AE इज इक्वल टू AD क्या प्रूफ करना है AE किसके इक्वल है AD अब प्रूफ देखिए ना तीन चीजें हमारे पास इक्वल है और चौथे के बारे में हमें बताना है
इज इक्वल है। नाउ जरा देखिए कि ए ई डी और ए बी सी, बोलो ए ई डी ये एंगल क्या इसके इक्वल हो सकता है ए ई डी, या इन दोनों का सम क्या हो सकता है बताओ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है जानते हो? देखो ए ई डी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू, सब प्रूफ क्या करना है हमें, ये प्रूफ करना है ये दोनों लाइनें इक्वल है ए ई और ए डी, अगर इक्वल होगी तो इसी में कॉन्साइन कर जाएगा और ये पैरेललोग्राम आ जाएगा है ना, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो मतलब अगर एक पैरेललोग्राम है तो वो तीन बिंदुओं से गुजर रहा है तो चौथे से भी गुजरेगा, एक मतलब ये इन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया है, और कंडीशंस भी दिए क्वेश्चन में कि प्रूव करना है इफ नेसेसरी, तो प्रूव दैट ए इज इक्वल टू ईडी 180 है। व्हाई इट इज सो, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब जरा देखें कि अच्छा ए डी ई, अब ये देखो ए डी ई और ए डी सी का सम क्या होता है, यानी अब इन दोनों का सम ए डी ई और प्लस ए डी सी 180 डिग्री, वाई दैट इज लीनियर पेयर। अब जरा देखें कि ये मुझे कोई बता दे कि क्या जो ए डी सी है वही ए बी सी है, ABC. मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं क्या पैरेललोग्राम होते हैं, तो मैं क्या इस ए डी सी की जगह ए बी सी लिख दूं? देखो ए बी ई और प्लस मैं इसकी जगह क्या लिखने जा रहा हूँ ए बी सी, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, एस एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बोलो बात समझ में आ गई, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब जरा देखिए कि हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, कि ये हो गया तो इसको इक्वेशन वन लिख दें और इसको क्या लिख दें, अच्छा क्या ये दोनों चीजें समान हैं तो ये चीज इसके समान होगी, इफ टू टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग आर दे इक्वल टू वन अनदर, इन दोनों में देखो सो फ्रॉम इक्वेशन अभी समझ में आएगा, वन एंड थ्री, वन और थ्री है ना, वन और टू क्या दोनों 180 के इक्वल हैं, तो ये आपस में लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। देखो ए ई डी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू ए डी ई प्लस ए बी सी, वही कर दिया तो ए बी सी कट गया, और बोलो ए ई डी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए भुजा, और ए डी के सामने वाली ए ई डी, बोलो इस एंगल के सामने की साइड कौन सी है, क्या ए डी है, देखो ए ई डी के इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इसके सामने की साइड ये और ए डी ई के सामने की साइड ये, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ कि नहीं, इसके सामने की साइड कौन है ये, इसके सामने की साइड है, तो अब साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इक्वल होता है, ए ई डी के सामने क्या है, ए डी है, और ये मुझे बताइए ए डी ई के सामने क्या है, के सामने A. यही प्रूफ करना था, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, हेंस प्रूफ। सर छुट्टी नहीं तो गया, छुट्टी नहीं तो गया न्यू ईयर को, नहीं कल दे रहे,
पूरा हम करा देंगे सभी तो सवा सवा एक तक है ना शाम को करा देंगे। अरे अरे उससे तुम्हें क्या दिक्कत है वो तुम्हारी पार्टी में है क्या नहीं मोटिवेटेड देखो वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम देखिए राइट सर्कुलर कोन बता रहा हूँ तो राइट सर्कुलर कोन बनाओ सो इट इज 1232 तो मुझे कोई बताएगा राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होता है सर किसका बोलो सर्कुलर कोन का वन बाय पाई आर सर जानना क्या और कितना दिया है 32 और भी कुछ दिया है क्या डायमीटर कितना दिया है तो बोलो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर 14 दिया तो फिर रेडियस कितना हुआ 7 सेंटीमीटर तो 1/3 इनटू 22/7 7 का स्क्वायर और इनटू h हां 1/7 कट गया 1232 इनटू 3 और अपॉन 22 इनटू 7 क्या यही h है ठीक है बस वैल्यू डाल दी और आर डाल दी 22 को 11 से कट करो 11 2 जा इसे भी 11 से कट करो 11 1 जा 11 13 बचा फिर 11 1 जा 11 22 बचा 2 से इसे कट करो 2 5 जा और 2 6 जा 7 8 जा 7 8 जा और 8 3 जा 24 तो 24 सेंटीमीटर आ गया एच क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्लैंट हाइट एल स्क्वायर तो स्लैंट हाइट का क्या फार्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और यदि रूट लगा दें 12 का स्क्वायर तो 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर किसी को 24 का स्क्वायर अभी मालूम है सीधे 576 तो फिर इन दोनों की वैल्यू रखो 576 इसका जरा ऐड करके बताओ कितना होता होगा 576 में 49 का लो 625 पर किसी को 25 625 वैसे 25 इनटू 25 होता है हां तो 25 है तो ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर तो 25 सो l इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पाई आर एल होता है कट सरफेस एरिया कहता है सी एस ए करके रखा है एक लंबे कुंतला देवी है वो मतलब कुंतला में अभिषेक बैठा है नहीं ध्रुव बैठा है ध्रुव है ना करके दे रहा सर 25 सर मैं कुछ बता रहा हूं करके लाया करके लाया ध्रुव से तो नहीं पूछ रहा ये नौबत कब आई ध्रुव से पूछ रहा यहाँ पर ए एंड बी आर द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस 24th क्वेश्चन देखा अगर हम इससे डिवाइड करें तो क्या आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम पता है कि किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं किया जाता है उसको जीरो रख दिया जाता है क्या रख दिया जाता है जीरो जीरो रखने से क्या वैल्यू आती है और ये डाल दो जो आंसर है वही रिमाइंडर है किसमें डालोगे एक पॉलिनोमियल दिया है बोलो कौन सा माइनस मतलब एक्स की जगह माइनस वन रखे हाँ और जो आ जाए वो रिमाइंडर यही रिमाइंडर थ्योरम एक्स क्यूब प्लस और माइनस फाइव एक्स और माइनस सेवन अब हम इसे वन माइनस वन डाल तो 5a और इनटू माइनस वन और माइनस सेवन जो आएगा वो रिमाइंडर क्या रिमाइंडर की वैल्यू दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है ए एंड बी आर रिमाइंडर कह रहा है ऐसा करने पे जो आएगा वो रिमाइंडर ए है कितना दे रहा है रिमाइंडर इसको ये दे रहा है ये कितना आएगा माइनस वन इसको जरा करो
इसको करें तो बोलो कितना आएगा। वैल्यू डाल दी, माइनस में डाला, माइनस वन आया, टू आया, माइनस सेवन आया, यहाँ क्या आया, कह रहा ए रिमाइंडर है, पढ़ो सवाल। यानी अगर इसमें मैंने x प्लस वन से डिवाइड किया तो क्या आया रिमाइंडर, ए। तो वो ये क्यों ए आया, जो भी इससे आएगा वो क्या होगा, क्या वो रिमाइंडर होगा, और लेकिन रिमाइंडर दे क्या रहा है, रिमाइंडर लिखा है कि नहीं है, इन सबको जोड़ो जरा, माइनस सेवन और माइनस वन कितना हुआ, प्लस टू, माइनस सिक्स और प्लस फाइव, यही तो ए है। बोलो बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है कि इतना ही छोड़ो, इफ ए एंड बी आर रिमाइंडर्स व्हेन पॉलीनोमियल दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। अब दूसरी वाली को सर बी वाला भी बोलो, बोलो ये कैपिटल है, कैपिटल ए है ना, कह रहा ए इज रिमाइंडर। अच्छा, अब वो कहता चार रिमाइंडर है तो मैं चार लिख देता, तब तो तुरंत ए का आंसर आ जाता, लेकिन वो कह रहे नहीं ए रिमाइंडर है, कितना है। और दूसरी इक्वेशन को किससे डिवाइड किया गया, x माइनस टू से, चेक करो सर वो बी वाला नहीं निकालेगा, बी का नहीं निकालेगा। सो अदर इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू टू x माइनस टू, तो बोलो x माइनस टू को खुद क्या रख दो, x इज इक्वल टू टू, x2 आ गया, 2 अगले में डालो, जैसे ये px था दूसरे पॉलीनोमियल को क्या लिख लोगे, qx that is x cube plus ax square minus 12x plus 6 है, 2 डालो तो 2 डालने पे 2 क्यूब आएगा, a into 2 square minus 12 into 2 और plus 6, ये देखो समझ में आ गई, नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ भाई, अभी बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से बता दूंगा, आप रिमाइंडर थ्योरम बहुत पहले की पढ़ी है ना, तो इसलिए नहीं आ रहा है, और कोई बात नहीं, मैं अभी बता दूंगा, आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक आपको समझ में नहीं, जो जिससे डिवाइड करते हैं उसको जीरो पुट करते हैं, जो वैल्यू आती वो डाल दी जाती पॉलीनोमियल में, जो आंसर आए उसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। जरा देखो ये, अगर मैं x प्लस वन से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में डिवाइड कर रहा हूं, देखो नया तो किससे मल्टीप्लाई करें, करो एक्स हुआ, बोलो ये समझ में आया, ये करो कितना बचा 4x, अब किससे करें, 4 करो 4x प्लस, बोलो कितना रिमाइंडर है, अच्छा लेकिन कुछ लोग कहेंगे हम तो ऐसे नहीं करते हैं, वो सीधा सीधा x प्लस वन को क्या पुट करते हैं, x की क्या वैल्यू आई। अब ये जो आपके पास डिविडेंड है इसी में डाल दो, कितना डाल दो, माइनस वन का स्क्वायर और प्लस फाइव इंटू, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या वन है, और ये माइनस फाइव और प्लस सिक्स, बोलो सिक्स और वन जोड़ो क्या टू आ गया, और टू क्या हो गया शेषफल, मतलब मैंने बता दिया कि इससे करके भी वही चीज आई जो इससे करके आई। अच्छा लॉन्ग डिवीजन, मतलब ये वेरीफाई तो हो गया, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर है, फैक्टर थ्योरम, तो वही चीज, वो फैक्टर यहाँ ही नहीं, क्योंकि रिमाइंडर बच गया तो फैक्टर नहीं है, जीरो होता तो फैक्टर कुछ होता, एक्स प्लस वन क्या इसका फैक्टर बना, तो इसका फैक्टर नहीं बना, तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमने क्या किया, वही वैल्यू डाली कि नहीं, तो वो कह रहा है ए रिमाइंडर है, हमने कहा हाँ जो आएगा वही रिमाइंडर है, तुम ए कह रहे हो तो चलो हम ए लिख देते हैं, फिर दूसरे में कह रहा है एक्स माइनस टू से क्या, तो बी रिमाइंडर है, हमने कहा चलो बी लिख देते हैं, आप ही का मान लेते हैं, तो मैं क्यू टू की जगह क्या लिख दूं, बी,
लिखो बी, बी किसके इक्वल है? प्लस फोर ए माइनस 24 प्लस 6, ये देखो ये कितना आया, 14 माइनस 24 कितना होता है 4 a is b, तो कितना आ गया बताइए, सो b इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 4 a, कितनी बात समझ में आ गई। अब हमारे पास a आ गया, a कितना है अभी, अच्छा वो कुछ कह रहा है क्या कि 2 a प्लस b कितना है, देखो 2 a प्लस b 6 है, a कितना है यहां से बता दे कोई, और मुझे b भी कोई बता दे, मल्टीप्लाई करो माइनस 12 और प्लस प्लस 10 और यहां से क्या आएगा माइनस 10 प्लस इज इक्वल टू 6 है, माइनस 12 और माइनस 10 करो सबको उधर ले जाओ, तो बोलो 14 ए है और उधर की तरफ 12 भी ले जाओ और 10 भी ले जाओ। अब जरा देखिए कितना हो गया 14 ए 28, तो कोई मुझे बताएगा ए कितना होगा, 2 बोलो बात समझ में आ गई, दोनों में रिमाइंडर थ्योरम लगा दी और रिमाइंडर थ्योरम लगाने के बाद क्या किया, ए अभी की जो वैल्यू है इसमें डाल दी, कुछ सॉल्व नहीं करना बस रिमाइंडर थ्योरम लगा के जो वैल्यू है डाल। 25th क्वेश्चन करो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है और प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी लेस देन रुपीज 150, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ बताओ कितने ऐसे वर्कर हैं जो 150 रुपए से कम की पगार पाते हैं, 150 रुपए 3 जैसे कह रहे हैं 7 है, क्योंकि जो एक अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है, 150 इंक्लूड नहीं होता ना, मतलब 150 से 170 150 अगले वाले में आएगा, तो 7 हुए और बोलो टोटल कितने वर्कर हैं, तो कितना आंसर आ गया 7/30, अगले का आंसर बताइए, एट लीस्ट रुपीज 210, 210 कम से कम 210 पाते हैं ऐसे बता सकते हैं, एट लीस्ट रुपीज 210 या उससे ज्यादा कम से कम 210 पाते हैं, नंबर ऑफ और ज्यादा तो कुछ भी पाते हैं, सारे जोड़ डालो 210 से ज्यादा कितने हैं, कम से कम 210 पाते हो तो 210 से 230 भी आ जाएगा, 230 से 250 7 मतलब इतना तो कम से कम पाते ही हो, तो 210 के ऊपर के सारे एट लीस्ट 210 तो पाते ही हो, 7 है तो 7/30, अब थर्ड केस देखो 150 से ज्यादा पाते हूं और 210 से कम बात ना करें, देखो थर्ड प्रोबेबिलिटी बिटवीन रुपी 150 टू ठीक है रुपीज 210 बोलो कितने हुए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ सो कितने हो गए बताओ 150 से और 210 से कम 16 हुए, 5 प्लस 6 और ये 30, इसको कट करो 4 से, 4 से नहीं कट होगा 8/50, अच्छा 190 से 250 के बीच आते हो,
रुपीज 192 कितने आ गए 190 के ऊपर के सारे ले लो 5, 4, 9, 3, 12 तो क्या ये 12 by 30 हुआ तो अब इसको किससे काटने 6 × 12 = 36 ये देखिए 26th question क्या है पिक्चर गिवन बिलो शोज द फेस ऑफ क्लॉक व्हेन टाइम इज 10:10 द आवर एंड द मिनट हैंड फॉर्म एंगल एक्स ये तो दैट इज 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अच्छा ये बताओ ये घड़ी है और इसमें आवर एंड है 10:10 एंड मिनट हैंड फॉर्म्स एंगल एक्स मिनट हैंड ये 10:10 है ये देखो क्या ये घंटे की सुई है 10, 10, 16 और ये मिनट की है तो इसे थोड़ा लंबा बनाओ और सबसे लंबी कौन सी होगी थोड़ी लंबी ज्यादा लंबी ज्यादा लंबी सबसे लंबी मिनट मिनट की सबसे लंबी तो चलो कोई बात नहीं आवर मिनट और सेकंड सही है सेकंड के ऊपर कोई भरोसा नहीं सेकंड छोटी होती सबसे छोटी होती देखो उसमें सेकंड सबसे बड़ा है ऐसे कुछ नहीं कह सकते सेकंड के लिए कुछ सेकंड सबसे सेकंड का कोई वो नहीं है थोड़ा आगे बढ़ जाए तो ये एंगल दिया है वाई ये कितना है ये एक्स है तो आपको प्रूव करना है कि दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस और जेड कहां दिया है जेड नीचे ये जेड दिया तो अब ये देख लो 10:10 हो रहा है 10:10 40 सेकंड हो रहे हैं क्या कितने सेकंड हो गए 10:10 40 40 सेकंड हो गए कि नहीं सो आपको कुछ चीजें पूछी जा रही हैं आपसे वो पूछ रहा है कि नहीं बताओ अब देखें ये क्या है एंगल बिटवीन टू डिजिट कितना है टोटल एंगल कितना है और टोटल नंबर्स कितने हैं 12 सो ये देखो टोटल एंगल एट सेंटर एट सेंटर क्या 360 है और टोटल नंबर्स कितने होते हैं 12 तो एंगल बिटवीन एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर फॉर्म्ड एट सेंटर बाय कंसेक्यूटिव नंबर कोई दो अंक केंद्र पर कितना कोण अंतरित करेंगे बोलो बाय टू सक्सेसिव नंबर क्या ये 360/12 होगा 30 degree कोई भी दो चीज यहां केंद्र पे कितना एंगल बनाएंगे 30 degree बात समझ आई इन्हीं दो अंकों के द्वारा कितना टोटल कितना 30 30 30 30 जोड़ लो 12 बार 360 एक किन्हीं दो के बीच 30 30 30 30 यही 90 है 90 का तीन हिस्सा क्यों नहीं कर लेते एक 30 नहीं है बोलो 90 एंगल नहीं है क्या तो एक 1/3 कितना हुआ 30 हुआ कि नहीं हुआ कौन सा मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये एंगल 90 नहीं है और इसके इसमें इसके बीच में तीन हिस्से हैं या तो तीन टुकड़े करो पिज्जा के तो ये पिज्जा खाऊंगा ठीक है
तो अब जरा देखो कि मिनट हैंड को कितने डिजिट है, फोर सेक्टर्स है। सो इसलिए मिनट हैंड यहाँ पर कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री तो ये। सो एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड बाय 12 नंबर है और उसमें चार नंबर मिनट हैंड को मिल गया कि नहीं, दो तीन चार सेक्टर है कि नहीं मिनट हैंड, ये बताओ बस यही पूछा गया। सो 30 इंटू कितना कर गए, 120 डिग्री हुआ। कोई मुझे बताएगा एंगल फॉर्म्ड बाय सेकंड हैंड, ये किसके किसके बीच का एंगल है, आवर एंड मिनट, किसके किसके बीच का है फॉर्म्ड बिटवीन, किसके किसके बीच में आवर एंड मिनट। अब ये बताओ एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट एंड सेकंड बिटवीन मिनट एंड सेकंड कितने हिस्से आने, बता जरा, एक दो तीन चार पांच छह, मिनट और सेकंड बोलो कितने हिस्से आ रहे हैं, छह आ रहे हैं। तो क्या करना है, 30 × 6 बोलो, 30 × 6। अब ये मुझे बताइए क्या यही एक्स है और ये क्या है बताओ, इसे क्या दिया गया, और ये मुझे बताइए आवर और सेकंड के लिए क्या लें, ये शिकार वो कितने हैं, कितने सेक्टर आ रहे हैं, तीन। हमको तो दो ही लग रहे हैं, आपको तो नहीं, आवर कौन सा सेकंड, आवर और सेकंड, 10:10 तो हो रहा है, आवर सेकंड मिनट, ठीक है, ये आवर है, 10:10 हुए और 40 सेकंड लिखने दिया नीचे, तो सेकंड की नहीं है, तो इनके बीच कितने सेक्टर आ रहे, कितना एंगल हुआ, 30 × 2 = 60 डिग्री। भाई नीचे आपको टाइम लिख के दे दिया है, तो एंगल फॉर्म्ड बिटवीन आवर एंड सेकंड नीडल 60 डिग्री, इट इज इक्वल टू 30 × 2, तो 60 डिग्री किस क्या हो गया, उन दोनों के बीच वाई हो गया। अब वो जो क्वेश्चन कह रहा वो प्रूव करके दिखा दो, वो कह रहा प्रूव करो वाई प्लस जेड बाई टू करो जरा, क्या यही आर एच एस है कि नहीं, देखो क्वेश्चन में आर एच एस है, वाई की कितनी वैल्यू रखते हैं, वाई की सर वो 60, हाँ 60, जेड की कितनी रखते हैं, जेड की 180 और बाई टू करके देखो कितना आता है ऊपर, 240 डिग्री बाई टू बोलो कितना आ जाएगा, 120, क्या यही आर एच एस है, चेक करो, अब देखिए अब आपके पास दो, देखो दो ऑप्शन है, या तो जो साइंस का आगे जो पढ़ा है वो दे दो क्योंकि पूरा नहीं हुआ है, और यही देना चाहते हो तो मैं दो तीन सवाल करवा दूं, और ऑप्शन में है मैं 30, सुनो 30 क्वेश्चन छोड़ भी दूंगा, तीन कराऊंगा, 10 मिनट की साइंस का टेस्ट दीजिए, बाकी जब एक दिन इसका टेस्ट हो जाएगा, जैसे ही कंप्लीट करेंगे एक दिन इसके बाद साइंस पढ़ाएंगे, साइंस का टेस्ट नहीं।
अभी रह गया ना।